हाय एवरीवन, मैं सुनीता खन्ना आज आपको क्रिस्पी पनीर की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम रेडीमेड पनीर लिया है और मैंने थोड़ा लहसुन 8-10 के लिए लहसुन, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया लिया है। इसकी मैं एक पेस्ट बनाऊँगी और 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली है, उसका मैं एक घोल बनाऊँगी। और एक कटोरी मैंने ब्रेड क्रम लिया है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स लिया है जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। मैंने मिर्ची, लहसुन और धनिया का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर डालकर और थोड़े से सूखे मसाले, थोड़ी सी काली मिर्च, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। अब इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। मैंने पनीर में सब मसालों को अच्छी तरह हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे। पहले पनीर के टुकड़ों को हम ब्रेड क्रम के ऊपर डालेंगे। ब्रेड क्रम अच्छी तरह लगने के बाद हम उसे मैदे और कॉर्नफ्लोर के खोल में डालेंगे। इसके बाद कॉर्नफ्लोर के घोल में डालने के बाद हम इसे कॉर्नफ्लेक्स में डालेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लेक्स को अच्छी तरह लगा के हम इसे एक प्लेट के ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह सब पनीर को हम तैयार कर लेंगे। मैंने थोड़े पनीर को कोट करके रेडी कर लिया है और तेल रख दिया गरम होने। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। तेल हमारा गरम हो गया है और मैंने गैस को मीडियम टू हाई के बीच में रख दिया है। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसे थोड़ा देर रुकेंगे, अभी हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा एक तरफ सिक जाने के बाद इसे हिलाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा पलट दूंगी। और इसे दूसरी तरफ भी फ्राई होने दूंगी। पनीर हमारा सब तरह से अच्छी तरह क्रिस्पी हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और इसी तरह दूसरा पनीर भी फ्राई कर लूँगी। हमारा क्रिस्पी पनीर खाने के लिए तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। हमारा क्रिस्पी पनीर खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।